डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर रहे थे पीसीआर की क्रियाविधि, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पीसीआर संबंधी प्रश्न खंड दिया गया है, तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले पीसीआर क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, आपको पहले बताएगा टेक डीएनए पॉलीमरेज, जिसका स्रोत क्या है, थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु। टेक डीएनए पॉलीमरेज किस ताप पर अधिक सक्रिय होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेक डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया गया, ध्यान रखें आया क्वेश्चन भी है, थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से। पीसीआर के एक चक्र में डीएनए की दो प्रतियां बनती हैं, यदि पीसीआर को चार चक्रों तक दोहराया जाए तो डीएनए की कुल कितनी प्रतियां बनेंगी। आपको ध्यान है कि एक चक्र में दो बनेंगी, दो चक्र में चार बनेंगी, तीन में आठ बनेंगी और चार में कितनी बन जाएंगी, 16 प्रतियां। तो कितनी प्रतियां बनेंगी, 16 प्रतियां। तो ये प्रश्न खंड था पीसीआर से संबंधित। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं, पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ। देखिए, अब दूसरा टॉपिक चलेगा ट्रांसजेनिक जीव, यानी पादप व जंतु। ट्रांसजेनिक जीव क्या है, जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए भारी डीएनए उपस्थित है वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। यानी किसी पादप या जंतु के अंदर यदि भारी डीएनए उपस्थित होता है, याद रखें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक जीव। जब किसी जीव में अन्य जाति के जीन का स्थानांतरण किया जाता है तो प्रतिस्थापित किए गए जीन के सभी लक्षण उस प्राणी में प्रकट हो जाते हैं, इस प्रकार बने जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। कि जीन स्थानांतरण से हम ये भी कह सकते हैं कि जीन स्थानांतरण से बने जंतु होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक जंतु बोलेंगे। इस क्रिया द्वारा ट्रांसजेनिक सुअर, खरगोश, भेड़, गाय आदि पैदा किए जा चुके हैं। सबसे अधिक ट्रांसजेनिक जंतुओं में 95% से अधिक ट्रांसजेनिक चूहे विकसित किए गए हैं, जैसे ओनकोमाउस। ओनकोमाउस से क्या है, ट्रांसजेनिक चूहा है, अर्थात ओनकोमाउस में विभिन्न कैंसरों के जीनों का स्थानांतरण किया गया है जो कैंसर के विकास को समझने में काम आते हैं। तो ये हैं ट्रांसजेनिक जीव, यानी जीन स्थानांतरण से बने जीव क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक जीव। तो अगले पेज के ऊपर लेकर चलते हैं, पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ। देखिए, जीन स्थानांतरण की विधियाँ, जीन स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाएगा। पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण की विधियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो वाहक अणुरहित जिसे बोलेंगे प्रत्यक्ष रूपांतरण, एक वाहक अणु मध्यस्थ जिसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूपांतरण। सबसे पहले वाहक अणुरहित प्रत्यक्ष रूपांतरण की बात करेंगे। किसी जैविक वाहक की सहायता के बिना, वाहक आप जानते हैं कि प्लाज्मिड, सहायता के बिना डीएनए को पादप कोशिका में प्रवेश कराने तथा स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की क्रिया को सीधा जीन स्थानांतरण कहा जाता है। यानी इसमें किसी प्रकार के वाहक का प्रयोग नहीं किया जाता है और डीएनए को पादप कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। प्रत्यक्ष रूपांतरण की निम्नलिखित विधियां हैं जिनका आप बात करेंगे, तो अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ, पहले लाइनों को रेज कर देता हूँ। देखिए, प्रत्यक्ष रूपांतरण की विधियां निम्न लिखते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, जिनके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि है, माइक्रो इंजेक्शन है और लाइपोफेक्शन, ये सभी प्रत्यक्ष रूपांतरण विधियां हैं जिनके द्वारा जीन स्थानांतरण करके ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जाएगा। ये सारी जीन स्थानांतरण की विधियां हैं जो एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूपांतरण की विधियां हैं जिनके द्वारा जीन ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जाएगा। इनका डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।